भागवत जी को देश के पॉपुलेशन के बारे में बहुत चिंता हो रही है। आज हमारी देश की पॉपुलेशन लगभग 150 करोड़ हो गई, और कितनी पॉपुलेशन बढ़ाना चाहते हैं सर संघ चालक, और कितनी पॉपुलेशन बढ़ाना चाहते हैं आप बताइए। सबसे पहले ये जो सलाह है आपके बीजेपी के लोगों को दीजिए, एक जगह पर आपकी सरकार कॉमन सिविल कोड लाना चाहती है, कुटुंब कल्याण कुटुंब नियोजन की योजना चलाती है, मुसलमानों के बारे में दो या तीन या जो बात बात करते हैं ना ये उस बारे में बात करते हैं, और बीजेपी की जो पेरेंट बॉडी है आरएसएस कहते हैं कि बच्चे बढ़ाओ, ये दोगली नीति है। कौन खतरे में है? हमारा देश खतरे में नहीं है, आप खतरे में, आप सब लोग खतरे में है। 150 करोड़ पॉपुलेशन होने के बावजूद आप लोग बोलते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ा है, रोजगार है आपके पास, रहने को घर है आपके पास, आपकी सरकार दे रही है नौकरी दे रही है, किसानों को दाम दे रही है, एजुकेशन फ्री है क्या, महिलाओं की सुरक्षा हो रही है क्या, उस बारे में सर संघ चालक क्यों नहीं बात करते? बच्चे बढ़ाओ, ये बढ़ाओ, ये खतरे में, वो खतरे में। देखो हमें सर संघ चालक के बारे में हम हमेशा अपना एक आदर व्यक्त करते हैं कि ठीक है बुजुर्ग आदमी, अपनी विचारधारा है, समझान। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को बताइए, बांग्लादेश में हिंदू खतरे में, म्यांमार में हिंदू खतरे में, नेपाल में हिंदू खतरे में, कनाडा में हिंदू खतरे में, और हिंदुस्तान के बहुत जगह पर अगर हिंदू खतरे में है, वो नरेंद्र मोदी जी की जो पॉलिसी है इस देश में जो चल रही है उसके वजह से पूरे विश्व का हिंदू खतरे में आया।